जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बहुत ज्यादा एडवर्टाइज ये बात की कि हेल्प डे हर साल 30-35 साल से मुस्लिम भाइयों को इफ्तारी कराते हैं, तो अभी मुस्लिम और मसीही रोजे इकट्ठे चल रहे हैं हेल्प डे अपने पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक। तो ये सारा हमने सेटअप लगाया है ताकि हमारे जो मुस्लिम मसीही बहन भाई आएंगे वो रोजा खोलेंगे और हेल्प डे के लिए हम उनसे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त कमर अली साहब भी हैं, वो क्या हेल्प डे के बारे में कहना चाहते हैं, जो हम मिलकर ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये पास्टर विल्सन असगर साहब की तरफ से एक बहुत अच्छी काविश है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त रमज़ान का मुबारक महीना इस वक्त शुरू हो चुका है, तो ये इनकी एक बहुत ही अच्छी काविश है। एक तो इसमें यूनिटी, मुस्लिम क्रिश्चियन यूनिटी, उसको बहुत फ़रोग मिलेगा और दूसरा जिस तरह का आजकल हमारे मुल्क के हालात हैं और हमें हमबामगी की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो ये उसमें एक बहुत पेशरफ्त साबित होगा और इसमें मैं चाहूँगा कि मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ताकि इसको जो है मज़ीद फ़रोग हो और ये इस तरह की एक्टिविटीज़ मुल्क भर में हों ताकि एक आमहानगी का माहौल जो है वो क्रिएट हो मुल्क के अंदर। बहुत शुक्रिया। पॉल साहब हमारे साथ हैं, पॉल अल्फ्रेड साहब, इनसे भी जानेंगे ये हेल्प डे के बारे में। ये जैसे कमर साहब ने बात की एक अहम हांगी की, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, दोनों मजाहिब इब्राहिमी मजाहिब हैं, दोनों को मिलजुल के चलना चाहिए और ये बहुत बड़ा इकदाम है कि दोनों मजाहिब को इकट्ठा जोड़ने का, और इस तरह की अगर तकारीब होती रहे तो ये कौम और मुल्क के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है और दोनों कौमों को आपस में मिलाने का एक बेहतरीन जरिया है। अब मेरी मिसेस मेरे साथ हैं, अगर ये मेरे साथ ना हो तो मैं समझता हूँ मैं शायद कोई अच्छे काम ना कर सकूँ या कोई भी काम ना कर सकूँ। इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है और स्पेशल जो हम पिछले 30-35 साल से सोशल काम कर रहे हैं, हेल्प डे पे काम कर रहे हैं और ऐसे अपने हाथों से ये खाना पकाते, आज भी इन्होंने ये खाना बनाया है कि अपने हाथों से करते हैं, वो भी कुछ बताएंगे, ये हमारी जो खिदमत है। सबको ये बताना चाहती है कि हेल्प डे एक मदद है, हेल्प डे मोहब्बत है, हेल्प डे एक दूसरे के लिए हम एक दूसरे की बेहतरी के लिए कर रहे हैं ताकि एक दूसरे का मुस्लिम क्रिश्चियन में ना मोहब्बत रहे, ये इसलिए हम करते हैं। तो आज का जो मैंने आज मैंने ही खाना बनाया, हर साल मैं ही बनाती हूँ अफ्तारी के लिए खाना, तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि हमने मिल के है ना चलना है, तो इसलिए हम सब के लिए ना ये सोच अच्छी सोच रख के चलते हैं, तो ये हमारी मोहब्बत है। नेशनल न्यूज़ का ये हमेशा हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, तो खुदा नेशनल न्यूज़ के ऑनर को, स्टाफ को, कैमरामैन को, एडिटर को, एग्जीक्यूटिव को, सबको बहुत बरकत है, बहुत शुक्रिया।